एक समय की बात है, एक जंगल में किसी पुराने पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी थी। अचानक पेड़ से एक मोटी डाल टूटकर लोमड़ी पर गिरी। हाय रे मेरी कमर, इस डाली को अभी ही टूट कर गिरता था। घायल एवं भूखी लोमड़ी किसी तरह वहां से निकलकर अपनी मांद तक पहुंची। अगले दिन वह अपनी मांद के बाहर बैठकर शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक खरगोश अपनी ओर आता दिखाई दिया। लोमड़ी उस खरगोश को अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन लोमड़ी को देखकर खरगोश भाग गया। लोमड़ी को विश्वास हो गया कि अब यहाँ शिकार नहीं मिलेगा, इसलिए वह बस्ती की ओर चल पड़ी, जहां वो मुर्गियों का शिकार करके अपना पेट भर सके। जैसे ही वो बस्ती में पहुंची, बस्ती के कुत्ते भागते हुए उसके पीछे अरे बाप रे बाप, भागो भागो यहां से। लोमड़ी जान बचाकर भागती है, लेकिन कुत्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो एक जगह छिप जाती है। सोचती है कि मैं शिकार करने बस्ती आई थी, लेकिन लगता है ये कुत्ते मेरा ही शिकार कर डालेंगे। तभी भागते हुए कुत्ते उसकी ओर आते हैं और वो फिर भागती है। हे भगवान, बचाओ बचाओ, अब कभी इस बस्ती में नहीं आऊंगी, भूल कर भी नहीं आऊंगी, मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। भागते भागते लोमड़ी रंगरेजों की बस्ती में पहुंच गई और नीले रंग से भरे नांद में गिर गई। उसके पीछे पड़े कुत्ते उसे देख नहीं पाए, वो भौंकते हुए आगे निकल जाते हैं। हे भगवान, जान बची लाखों पाए, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र है। ये कहते हुए वो नांद से बाहर निकलती है और चुपके से जंगल की ओर निकल जाती है। तभी उसे सामने से शेर आता हुआ दिखाई देता है। लोमड़ी डर जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो शेर सिंह मुझे मारकर खा जाएगा, क्या करूं? शेर उसे देखकर खुद डर जाता है और दम दबाकर भागता है। लोमड़ी और आगे जाती है, लेकिन उसे देखकर जंगल के सभी जानवर भाग गए। ये क्या, सभी जानवर मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? वो अपने शरीर की तरफ देखती है और नीला शरीर देखकर चौंकती है। अब उसे जंगल के जानवरों के भागने का राज समझ में आता है। तब वो योजना बनाती है। भाइयों, डरो मत, भागो मत, मेरी बात सुनो। मुझे भगवान ने अपना दूत बनाकर तुम लोगों के पास भेजा है। सभी जानवर रुक जाते हैं। लोमड़ी उन सभी के पास जाती है। सभी जानवर अब भी डरे हुए हैं। देखो देखो मेरा रंग देखो, ऐसा रंग धरती के किसी जानवर का है क्या? नहीं है ना? भगवान ने मुझे खास रंग वाला बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। भगवान ने तुम सभी के लिए संदेश भेजा है। वो नीले रंग वाली लोमड़ी एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ गई और बोली, हे वन्य प्राणियों, भगवान ने मुझे खुद अपने हाथों से बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है, इसलिए तुम जाओ और जाकर जानवरों का शासक बनके उनका कल्याण करो। हे जंगल के प्राणियों, अब तुम लोग अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। लोमड़ी की बात ने ऐसा जादू किया कि सभी जानवर उसे अपना शासक मान लिए। तब खरगोश ने पूछा, हे भगवान के दूत, हम सब आपकी प्रजा हैं, हम सब आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं, अब आप हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है? तुम्हें हमारी खूब सेवा करनी चाहिए। तुम सभी जाओ और जाकर हमारे खाने पीने का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा। उस नीली लोमड़ी का आदेश मानकर जंगल के सभी जानवर
उसकी सेवा में लग गया। भगवान के भेजे हुए दूत को खुश करने के जंगल का राजा शेर सिंह भी दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता था। रोज ताजा मांस लाकर उसे देता। लोमड़ी ठाट से ताजा मांस खाती और अपनी मांद में आराम करती। इस तरह लोमड़ी के शाही ठाट हो गए। एक दिन लोमड़ी खूब खा पी कर अपनी मांद में आराम कर रही थी। रात का समय था, चांद निकला हुआ था। तभी पास के जंगल में लोमड़ियों ने हू हू करके आवाज करना शुरू किया। अपनी बिरादरी की आवाज सुनकर नीली लोमड़ी भूल गई कि मैं इस समय भगवान का भेजा दूत बन के बैठी हूं। वो उठी और चांद की तरफ मुंह उठाकर अपनी असली बोली बोलने लगी। शेर ने नीली लोमड़ी को हू हू करते देख लिया। शेर सिंह को समझते देर न लगी। वे जान गए कि ये कोई भगवान का दूत नहीं, ये तो लोमड़ी है, हमें धोखा देकर शासक बन बैठी थी। और पलक झपकते ही शेर ने उसे चीर फाड़ा। शिक्षा, नकली पन की पोल देर या सवेर जरूर खुलती है। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आप हमारे वीडियोस पर अपना कमेंट जरूर दें। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर जरूर करें।